स्टार्ट करते हैं क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 12.2 प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 30। देखिए नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 1 से लेके 30 तक, इनको हमको PMI की हेल्प से या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करना है। तो एक एक क्वेश्चन हम लेते जाते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 + 2 + 3 + (n) इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। देखिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके इक्वल, n इंटू n प्लस 1/2। तो स्टेटमेंट को हमको PMI या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करना है। तो PMI की हेल्प से प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद PMI के लिए फर्स्ट स्टेप पी ऑफ एन को ट्रू प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू के रखते। उसके बाद इंडक्टिव स्टेप में n इज इक्वल टू के लिए पी ऑफ के को ट्रू सपोज कर लेंगे और n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए पी ऑफ के प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर देंगे। जब पी ऑफ के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाएगा तो ये ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो चले लिखते हैं इसको, लेट पी ऑफ n सच दैट, ये जो स्टेटमेंट है इसी को लिख दो, 1 + 2 + 3 + (n) इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ये अपने को प्रूव करना है PMI की हेल्प से। तो PMI में सबसे पहले बेसिक स्टेप देखिए, बेसिक स्टेप में हमको क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए पी ऑफ 1 को ट्रू प्रूव करना है। और n इज इक्वल टू 1, इस स्टेटमेंट में n के प्लेस पे 1 रख दो और ये हो जाएगा p ऑफ 1 सच दैट, अब 1 रखना है तो ये केवल फर्स्ट टर्म को लेंगे इधर से 1 इज इक्वल टू, इस साइड में आप n के प्लेस पे 1 रख दो, तो 1 × 1 + 1/2 which implies ये 1 है, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे 1 + 1 2 × 1 2/2 दैट इज 1 हो जाएगा 2/2 और 2 को 2 से कैंसिल कर लो 1 टाइम, तो which implies 1 = 1। देखो इसके दोनों साइड इक्वल आ गए, 1 = 1, इसका मतलब ये हो गया कि पी ऑफ 1 इज ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ 1 इज, ये बेसिक स्टेप को हमने ट्रू प्रूव कर दिया। अब सेकंड स्टेप है अपनी इंडक्टिव स्टेप। देखिए इंडक्टिव स्टेप में क्या करेंगे, पी ऑफ के को ट्रू सपोज कर लेंगे n इज इक्वल टू के लिए और फिर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए पी ऑफ के प्लस 1 को ट्रू प्रूव करेंगे। तो लेट P of n be true for n is equal to k, that is n के प्लेस पे k रख दो, ऐसा स्टेटमेंट जहां जहां n दिख रहा वहां k रख दो, हो जाएगा P of k such that 1 + 2 + 3 + (n) n के प्लेस पे k रखेंगे इज इक्वल टू, इस साइड में भी n के प्लेस पे k रख दो, ये हो जाएगा k इनटू k प्लस 1/2। k n इज इक्वल टू k के लिए अपन ने सपोज कर लिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर, देन
इट मस्ट बी टू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ये जो स्टेटमेंट है एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होना चाहिए, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन एन के प्लेस पे या के प्लेस पे एन इज इक्वल टू के है, एन इज इक्वल टू के है तो के प्लेस पे के प्लस वन रख दो या एन के प्लेस पे के प्लस वन रख दो, एक ही बात है। तो मैं के प्लेस पे के प्लस वन रख दे रहा हूँ, यहाँ पे के प्लस वन रखे, इधर भी जहां जहां के है वहां के प्लस वन रख दो। पी ऑफ के प्लस वन सच दैट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस ये वाले के प्लेस पे के प्लस वन रखेंगे इज इक्वल टू, इस साइड में भी आप यहाँ जहाँ के है वो के प्लस वन रख दो, तो ये के प्लेस पे के प्लस वन रखेंगे, के प्लस वन इन टू के प्लेस पे के प्लस वन रखेंगे और ये वन है तो के प्लस टू हो जाएगा, बच्चे के प्लस टू ए के प्लेस पे के प्लस वन रखे तो ये के प्लस टू होगा और अपॉन टू। ये अपने को प्रूफ करना है कि आप के को अपन ने ट्रू सपोज कर लिए एन इज इक्वल टू के लिए, तो एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए पी ऑफ के प्लस वन को आपको प्रूफ करना, मतलब ये प्रूफ करना। अगर ये हमने प्रूफ कर दिए तो ये ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अपन ने सपोज किए है पी ऑफ के ट्रू है एन इज इक्वल टू के लिए, पी ऑफ एन जो ट्रू है इसी का यूज कर लेंगे। तो इसको मैंने इक्वेशन वन दिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ले लो, क्या है फर्स्ट इक्वेशन है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन अपॉन टू, यही है ये वाला लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका यूज कर लिया कर रहे हैं हम, इसको ले लिया मैंने, अब इसकी हेल्प से हमको ये लाना। तो अब इसको ध्यान से देखो कि आप के प्लस वन में हमको वन प्लस टू प्लस थ्री चाहिए, तो ये वन प्लस टू प्लस थ्री तो है इसमें, और ये लास्ट में के प्लस वन चाहिए और अपना यहाँ पे के है। इस के प्लस वन के पहले भी टर्म होगी, जैसे ये टेन नंबर की टर्म है तो इसके पहले नाइन नंबर की टर्म होगी। तो ये अगर के प्लस वन है इसमें से वन माइनस कर देंगे तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे के आएगा और ये वाला के ऑलरेडी अपने पास में है, यहाँ ये के अपने पास में वन प्लस टू प्लस थ्री और ये के है। अब अपने को सिर्फ ये वाला चाहिए लास्ट टर्म के प्लस वन, तो दोनों साइड में इसमें क्या करते हैं कि इसमें के प्लस वन को ऐड कर देते हैं, प्लस के साइन लगे सब में, तो ये के प्लस वन को ऐड कर देते हैं हम ये वाले के प्लस वन को। तो इससे क्या हो जाएगा जब हम ये के प्लस वन को दोनों साइड में ऐड करेंगे तो यहाँ पर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट के और के बाद में के प्लस वन आ जाएगा। तो अब देखो ये पूरा का पूरा जो है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, इसके पहले वाली टर्म के है ये पूरा का पूरा आ जाएगा, फिर अपने को इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वाले के को छोड़ देंगे और वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट के प्लस वन लिख देंगे और इसके राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्वेश्चन अपना प्रूफ हो जाएगा। एडिंग के प्लस वन ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में के प्लस वन को एड कर दो। तो इधर है अपना वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट के, इसमें के प्लस वन और के इंटू के प्लस वन अपॉन टू में भी के प्लस वन प्लस करो, ये हो जाएगा आपका वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट, ये के है यहाँ तक है आपका इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड, प्लस इसमें के प्लस वन प्लस कर दिए इज इक्वल टू इधर आपका राइट साइड में के इंटू के प्लस वन अपॉन टू ऐसा है, के इंटू के प्लस वन अपॉन टू और इसमें भी आप के प्लस वन प्लस कर दो प्लस के प्लस वन। देखिए ये के प्लस वन दोनों साइड में प्लस करने से इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट के और के प्लस वन, तो ये के जो है ये के प्लस वन की पहली वाली टर्म है, तो इसको मैं छोड़ के केवल के प्लस वन लिख लेता हूँ, ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट, ये लास्ट वाली टर्म लिख लिया मैंने के प्लस वन, ये के को छोड़ दिया, ये के प्लस वन के पहले क्या होगा इज इक्वल टू इधर ये के प्लस वन और ये के प्लस वन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैं के प्लस वन को कॉमन निकाल दो,
ये के प्लस वन कॉमन निकाला, यहाँ पर आपका एक के बच जाएगा और अपॉन टू बच जाएगा, के अपॉन टू प्लस ये के प्लस वन को आपने कॉमन निकाल ली तो वन बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये तो आपका वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू डॉट डॉट के प्लस वन, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया पी आर के प्लस। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस आपको इसको सॉल्व करके के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन टू लाना है, तो विच इज इक्वल टू ये के प्लस वन एज इट इज, और ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो टू टू एलसीएम, तो ये के प्लस टू वन या टू। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम के प्लस वन इंटू के प्लस टू और होल अपॉन टू। देखो यही अपना राइट साइड था, इसका प्रूफ करना था के प्लस वन इंटू के प्लस वन, के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन टू, ये आपका पी आर के प्लस वन पूरा प्रूफ हो गया। Therefore, P of K plus one is true. ये हमने इसके इंडक्टिव स्टेप को प्रूफ कर दिए। अब P of K को अपन सपोज कर लिए थे और P of K plus one को अपन ने प्रूफ कर दिए, तो hence by PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोल सकते हैं इसको, P of N is फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट पी ऑफ एन अपन ने कंसिडर किए थे वो ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूव होगा, बस यही आपको प्रूव करना था। तो ऐसे आप पी एम आई या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट एन स्क्वेयर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसको भी हमको पीएमआई की हेल्प से प्रूव प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है इसको पी ऑफ एन के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। लेट पी ऑफ एन सच दैट वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप बेसिक स्टेप में फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन के लिए पी ऑफ वन को प्रूफ प्रूफ करेंगे। जहां पर एन दिख रहा है एन के प्लेस पे वन रख दो तो ये पी ऑफ वन हो जाएगा। सच दैट अब एन इज इक्वल टू वन लिए अपन ने तो ये फर्स्ट टर्म लेंगे यहाँ से केवल वन स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस साइड में आप एन के प्लेस पे वन रख दो, ये वन इंटू वन प्लस वन इंटू टू इंटू वन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसको सॉल्व करो, वन स्क्वेयर वन इज इक्वल टू ये टू हो जाएगा, टू वन जा टू और ये टू वन जा टू प्लस वन थ्री और नीचे सिक्स है तो ये थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स और ये थ्री से थ्री वन टाउन, इधर भी आपका वन बच गया विच एम्प्लाइज वन इज इक्वल टू वन। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए, वन इज इक्वल टू वन, देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू। ये हमने इसकी बेसिक स्टेप को प्रूव प्रूव कर दी। अब इंडक्टिव स्टेप, सेकंड स्टेप है इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप में हम क्या करते हैं पी ऑफ के को ट्रू सपोज कर लेते हैं और पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूव कर देते हैं। लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज पी ऑफ के एन के प्लेस पे के रख दो सच दैट यहाँ पे एन के प्लेस पे के रख दो, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट
एन के प्लेस पे के रखेंगे तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर भी आप एन के प्लेस पे के रख देंगे तो ये के इंटू के प्लस वन इंटू, यहाँ पर एन के प्लेस पे के रखेंगे तो टू के प्लस वन अपॉन सिक्स, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, ये इक्वेशन नंबर वन है। अब देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। जब ये एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू था तो इसको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होना पड़ेगा, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन, एन के प्लेस पे या के प्लेस पे के प्लस वन रख दो, तो मैं यहीं पे के प्लेस पे के प्लस वन रख देता हूँ, पी ऑफ के प्लस वन एन के प्लेस पे के प्लस वन रख दो या इसमें रख दो के प्लेस पे के प्लस वन, हो गया पी ऑफ के प्लस वन प्लस दैट वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर के प्लेस पे के प्लस वन रखेंगे तो के प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, के प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर साइड में भी आप के प्लस पे के प्लस वन रख दो तो पहले के प्लस पे के प्लस वन रखेंगे तो के प्लस वन हो गया, दूसरे वाले में यहाँ पर के प्लस पे के प्लस वन रखेंगे तो के प्लस वन के प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ पर के प्लस पे के प्लस वन रखेंगे और टू कैन टू कैन तो टू के प्लस टू और प्लस वन टू के प्लस थ्री हो जाएगा, टू के प्लस थ्री अपॉन सिक्स, ये है आपका पी ऑफ के प्लस वन इजिकल टू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट के प्लस वन होल स्क्वायर इजिकल टू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू टू के प्लस थ्री अपॉन सिक्स, ये अपने को प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट है अपना अपन इसी का यूज करेंगे और इसकी हेल्प से याद हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लिखो या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो एक ही बात, क्या है फर्स्ट वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट के स्क्वेयर, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट के स्क्वेयर इज इक्वल टू k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6, k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6, देखिए यही होना चाहिए k plus 1 k into k plus 1 2k plus 1 upon 6, ये ले लिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to dot dot k square है इसमें, यहाँ पे अपने को p of k plus 1 को क्या प्रूव करना, 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to dot dot k plus 1 होल स्क्वायर, देखो के प्लस वन होल स्क्वायर इसकी लास्ट टर्म है, इसके पहले के इसमें से वन माइनस कर देंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर के स्क्वायर आ जाएगा इसके पहले, तो यहाँ तक का वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपने पास में है ही, यहाँ इसमें इसकी लास्ट वाली जो टर्म है ये वाली, इस लास्ट वाली टर्म को प्लस कर दो, दोनों साइड में इस लास्ट वाली टर्म को प्लस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा इधर का लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये राइट साइड अपने आप आ जाएगा, एडिंग k plus 1 whole square on both the sides, दोनों sides में आप k plus 1 whole square को plus कर दो, करो ये 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to dot dot k square plus k plus 1 whole square is equal to, इसको एज इट इज लिख दो और इसमें के प्लस वन होल स्क्वायर ऐसा प्लस कर दो, के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस के प्लस वन होल स्क्वायर, ये प्लस कर दिया। अब यहाँ देखो इसमें के प्लस वन होल स्क्वायर लास्ट टर्म, इसके पहले वाली टर्म को छोड़ देते हैं अपन, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट, वही टर्म को छोड़ दे रहे हैं सेकंड लास्ट को,
ए प्लस वन होल स्क्वायर, बीच में और बहुत सारी टर्म होगी वो भी छोड़ दी, इज इक्वल टू, इधर आपको सॉल्व करना है तो देखो के प्लस वन अपने को जो प्रूफ करना है उसमें के प्लस वन का ब्रैकेट चाहिए, तो ये के प्लस वन यहाँ भी दिख रहा है और के प्लस वन इसमें भी दिख रहा है, इसको कॉमन निकाल देता हूँ, के प्लस वन कॉमन निकाले अगर हमने तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक के बचेगा और टू के प्लस वन, के इन टू टू के प्लस वन सिक्स और प्लस यहाँ से के प्लस वन निकालेंगे तो एक के प्लस वन बच जाएगा, ऐसा बच गया, के प्लस वन का होल स्क्वायर था यहाँ पे, इसमें से एक के प्लस वन बच गया और एक निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, अब ये लेफ्ट साइड आ गया आपका जो प्रूफ करना था, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट के स्क्वायर, ये पूरा आ गया आपका लेफ्ट साइड, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब केवल इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है के प्लस वन के प्लस टू इंटू के टू के प्लस थ्री अपॉन सिक्स, तो अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ये के प्लस वन को ऐसे ही रहने दो और अंदर एलसीएम ले रहे हैं हम सिक्स, ये हो जाएगा के का इंटू करेंगे टू के में तो टू के स्क्वायर प्लस के और प्लस वन से डिवाइड के सिक्स का इंटू करेंगे सिक्स के प्लस सिक्स, इसको सॉल्व करो, के प्लस वन अपॉन सिक्स या अपॉन सिक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या बच गया टू के स्क्वायर प्लस के प्लस सिक्स के सेवन के और प्लस सिक्स, देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म, इसकी मिडिल टर्म सेवन के को स्प्लिट कर दो, ये के प्लस वन अपॉन सिक्स टू के स्क्वायर सेवन के को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट मतलब ट्वेल्व के स्क्वायर होना चाहिए और प्लस करने पर सेवन के, तो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर प्लस वाले होंगे या दोनों माइनस वाले होंगे, बट सम इसका पॉजिटिव है तो दोनों नंबर को आपको प्लस वाले लेना है, तो थ्री के और फोर के ले लेते हैं, प्लस फोर के प्लस थ्री के और प्लस सिक्स, देखो फोर के प्लस थ्री के करेंगे तो सेवन के आ जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट ट्वेल्व के स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, अब दो दो में से कॉमन निकाल दो इसमें से, के प्लस वन अपॉन सिक्स इंटू टू के कॉमन निकला जाएगा के प्लस टू प्लस थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो प्लस और थ्री कॉमन निकल जाएगा के प्लस टू, यहां से के प्लस टू का ब्रैकेट कॉमन निकाल दो, के प्लस टू कॉमन निकल जाएगा विच इज इक्वल टू, ये के प्लस वन पहले से है, के प्लस टू को कॉमन निकाले तो यहाँ बच जाएगा आपका टू के प्लस थ्री और अपॉन सिक्स, बस आ गए के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू टू के प्लस थ्री अपॉन सिक्स, ये चाहिए था अपने को के प्लस वन के प्लस टू टू के प्लस थ्री अपॉन सिक्स, लेफ्ट साइड भी आ गया राइट साइड भी आ गया, देयरफोर पी ऑफ के प्लस वन इज टू, P आप K को अपने ट्रू सपोज कर लिए थे और P आप K प्लस वन को अपने ट्रू प्रूव कर दिए, तो हैंस बाय PMI, हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P ऑफ N इज ट्रू फॉर ऑल N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जो P ऑफ N स्टेटमेंट था वो ऑल नेचुरल नंबर N के लिए ट्रू प्रूफ होगा, ठीक है ऐसे आपको इसको प्रूफ कर लो, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट थ्री रेस टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू थ्री रेस टू एन माइनस वन अपॉन टू, इस स्टेटमेंट को हमको पीएमआई की हेल्प से प्रूफ प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट को पी ऑफ एन के इक्वल सपोज कर लेते हैं, लेट पी ऑफ एन सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 3 रेस टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले बेसिक स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 एन के प्लेस पे वन रख दो,
पी ऑफ वन सच दैट, यहां से आप फर्स्ट टर्म ले लेंगे और इधर एन के प्लेस पे वन रख देंगे। फर्स्ट टर्म है वन इज इक्वल टू थ्री एस टू द पावर वन माइनस वन अपॉन टू, इसको सॉल्व करो, ये वन इज इक्वल टू थ्री एस टू द पावर वन, थ्री हो जाएगा माइनस वन तो ये टू, और अपॉन टू, टू से टू गेट्स कैंसल्ड वन टाइम, तो विच एम्प्लाइज वन इज इक्वल टू वन। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए आपके, लेफ्ट साइड राइट साइड, इसका मतलब पी ऑफ वन इज ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू। इसकी बेसिक स्टेप प्रूफ हो गई। अब इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ के को ट्रू ले लेंगे और पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूफ करेंगे। लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, पी ऑफ एन जो है वो एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है ऐसा सपोज कर लिए, दैट इज एन के प्लेस पे के रख दो, तो ये पी ऑफ के सच दैट वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन, एन के प्लेस पे के रखना, इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन अपॉन टू, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। ये अपना एज्यूम्शन है इंडक्टिव स्टेप का। अब देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन, एन के प्लेस पे या के प्लेस पे के प्लस वन रख रहे हैं, यहीं पे रख दो, के प्लस पे के प्लस वन रख दो, इधर भी जहां जहां के दिख रहा हूँ के प्लस वन रख दो, सच दैट वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस थ्री रेस टू द पावर, यहाँ के प्लेस पे के प्लस वन रखेंगे और माइनस वन है तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल होते, थ्री रेस टू द पावर के बचेगा, इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर के प्लेस पे के प्लस वन, थ्री रेस टू द पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, ये अपने को प्रूफ करना है। वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट थ्री रेस टू के इज इक्वल टू थ्री रेस टू के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो इक्वेशन फर्स्ट है इसी को ले दो, फॉर्म फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन अपॉन टू, यहां से देख के लिख दिया मैंने। अब देखो अपने को प्रूफ ये करना है और ये अपने पास में है वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन, इसमें अपने को थ्री रेस टू के चाहिए लास्ट में, ये थ्री रेस टू के में ये लास्ट टर्म है, इसके पहले वाली टर्म में के प्लस पे के माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे ये थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन आ जाएगा प्लस थ्री रेस टू के, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाली लास्ट टर्म और इसके पहले वाली टर्म थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन ये है, थ्री रेस टू के माइनस वन ये सेकेंड लास्ट टर्म है इसकी। अब अपने को ये वाली लास्ट टर्म चाहिए तो इसके लिए थ्री रेस टू द पावर के को दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, तो इधर आपका थ्री रेस टू के आ जाएगा तो ये पूरा लेफ्ट साइड आ जाएगा और राइट साइड अपने आप आ जाएगा। तो एडिंग थ्री रेस टू द पावर के ये वाली जो लास्ट टर्म रहती है इसी को ऐड करते हैं, क्योंकि तो सब सारी टर्म एडिशन में सब प्लस प्लस हो रहा है, तो हम ये वाली टर्म को ऐड कर देंगे दोनों साइड। इधर लिखता हूँ मैं, एडिंग थ्री रेस टू द पावर के on both the sides, कर दो इसमें थ्री रेस टू द पावर के को, राइट वन प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन प्लस थ्री रेस टू द पावर के इज इक्वल टू थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन अपॉन टू, थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन अपॉन टू प्लस थ्री रेस टू द पावर के, दोनों साइड में मैंने थ्री रेस टू द पावर के ऐड किया है ये वाली टर्म। अब देखो ये वाली टर्म की जस्ट पहले वाली टर्म ये है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और केवल ये तीनों टर्म और इसको लिखता हूँ, तो ये अपना पूरा का पूरा ये वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा।
और ये आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस थ्री रेस टू द पावर के, उसके पहले वाले टर्म को छोड़ दिया, इज इक्वल टू, इधर सॉल्व कर, यहाँ पे टू एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा थ्री रेस टू द पावर के माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री रेस टू द पावर के, ऐसा आ गया। अब ये तो पूरा आ गया आपका लेफ्ट साइड, इधर का वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री रेस्ट, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करते। तो यहाँ देखो टू टाइम्स थ्री रेस टू के है और ये वन टाइम थ्री रेस टू के, दोनों प्लस वाले दोनों को प्लस कर लेंगे तो थ्री टाइम थ्री रेस टू के हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री रेस टू द पावर के, ऐसा हो गया। और ये माइनस वन अपॉन टू, यहाँ दोनों का बेस सेम है थ्री थ्री, तो पावर एड हो जाएगी थ्री रेस टू द पावर के प्लस वन हो जाएगा, थ्री रेस टू द पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, बस यही अपने को प्रूफ करना था। देख लो थ्री रेस टू द पावर, ये थ्री रेस टू द पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन टू, इधर का भी दे आर फोर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू ट्रू, पी ऑफ के को अपन ने ट्रू सपोज किए थे और पी ऑफ के प्लस वन को अपने ट्रू प्रूफ करते, तो हैंस बाय पी एम आई, हैंस बाय पी एम आई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n belongs to natural number, p of n जो स्टेटमेंट अपन ने कंसीडर किए वो स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूफ हो, तो ऐसे आपको इसको प्रूफ करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन 1 into 2 plus 1 अपॉन 2 into 3 plus 1 अपॉन 3 into 4 plus up to dot dot 1 अपॉन n into n plus 1 is equal to n upon n plus 1, इसको हमको PMI की हेल्प से प्रूफ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम p of n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, लेट पी ऑफ एन सच दैट वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, यह स्टेटमेंट है। यहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसकी बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप फॉर n इज इक्वल टू वन के लिए p ऑफ वन, यहाँ से आप फर्स्ट टर्म ले लो, यहाँ पे n के प्लेस वन रख दिए, यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लो और इस साइड में n के प्लेस पे वन रख दो, सच दैट वन अपॉन वन इंटू टू, इंटू है ये डेसिमल नहीं है, इज इक्वल टू n के प्लेस पे वन रखेंगे तो वन अपॉन वन प्लस वन, वन अपॉन वन प्लस वन, इसको सॉल्व करते हैं, वन अपॉन टू इंटू वन टू हो जाएगा, इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन टू, वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू आ गया, देयरफोर P of one is true. देखिए बेसिक स्टेप को हमने ट्रू प्रूफ कर दिया, अब इंडक्टिव स्टेप को ट्रू प्रूफ करेंगे, इंडक्टिव स्टेप, इंडक्टिव स्टेप लेट P of n be for n is equal to k, that is p of k, sorry n के place पे आप k रख दो, यहाँ से n दिख रहा हूँ k रख दो, p of k हो गया, such that 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to dot dot plus 1 अपॉन n के प्लस पे k रखना है, k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर भी आप n के प्लस पे k रख दो तो k अपॉन k प्लस 1, ये p ऑफ k अपन ने सपोज कर लिया, इसको इक्वेशन 1 दे दो,
इक्वेशन वन हो गया, इसका यूज करेंगे अपन अभी. देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन. तो इसको के प्लस वन के लिए भी ट्रू होना चाहिए, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन. एन इज इक्वल टू के है तो k के प्लेस पे k प्लस वन रख दो, या n के प्लेस पे भी रख सकते k प्लस वन. रख दो इसमें, यहाँ जा k दिख रहा k प्लस वन, such that 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to dot dot plus 1 upon k के प्लेस पे k प्लस वन रखे इंटू यहाँ पर के प्लस पे के प्लस वन, के प्लस वन प्लस वन के प्लस टू हो जाएगा, के प्लस टू इज इक्वल टू, इधर भी आप के प्लस पे के प्लस वन रख दो तो डिनोमिनेटर में के प्लस पे के प्लस वन रखेंगे, के प्लस वन डिनोमिनेटर में के प्लस पे के प्लस वन रखेंगे, के प्लस वन के प्लस टू होगा. तो ये भी आप के प्लस वन को अपने को ऐसा प्रूव करना. तो इसको प्रूव करने के लिए जो इक्वेशन फर्स्ट है अपन इसी को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसकी ये जो लास्ट टर्म रहेगी आपकी, इसकी पी आप के प्लस वन की ये वाली लास्ट टर्म, इसको दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो ये अपने आप प्रूव हो जाए. फ्रॉम फर्स्ट ले लो, फर्स्ट को वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस क्या है लास्ट टर्म, वन अपॉन के इंटू के प्लस वन, वन अपॉन के इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू के अपॉन के प्लस वन. ये फर्स्ट होगा. अब इस फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड में अपन क्या करते हैं, ये जो लास्ट टर्म दिख रही है अपने को जो प्रूव करना है, इसकी ये वाली वन अपॉन ये वाली वन अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू को प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये इसी की पहले वाली टर्म है. के प्लस पे के माइनस वन रखेंगे तो ये के हो जाएगा और ये के प्लस वन आ जाएगा, ये के और के प्लस वन इसके पहले वाली टर्म हो जाएगी, इसके बाद में अपन लास्ट में ये वाली टर्म प्लस कर देते हैं तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये राइट साइड अपने आप आ जाएगा. Adding 1 upon क्या है वो last term k plus 1 into k plus 2, k plus 1 into k plus 2 इसको add कर रहे हैं on both the sides, कर लो दोनों साइड में प्लस, क्या हो जाएगा ये 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to dot dot plus 1 upon k into k plus 1, the last term is ki, plus 1 upon k plus 1 into k plus 2. इसको add की हमने, इस side में भी add कर देते हैं, equal to k upon k प्लस वन प्लस वन अपॉन k प्लस वन इंटू के प्लस टू. अब ये वाली टर्म को छोड़ देते, इसी की पहली वाली टर्म है तो अपना लेफ्ट साइड आ जाएगा वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस अप टू डॉट डॉट, ये लास्ट वाली टर्म को लिख रहा हूं मैं, इसकी पहले वाली टर्म को छोड़ दी, वन अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू. ये आ गया आपका लेफ्ट साइड. आप इधर साइड में आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके क्या लाना है, के प्लस वन अपॉन के प्लस टू लाना है. ये आ गया आपका लेफ्ट साइड. यहाँ देखो वन अपॉन के प्लस वन इसमें भी है, वन अपॉन के प्लस वन इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले, वन अपॉन के प्लस वन मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ k बच जाएगा प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, वन अपॉन के प्लस वन निकल गया, वन अपॉन के प्लस वन निकल गया, वन अपॉन के प्लस टू बच जाएगा, वन अपॉन के प्लस टू.
अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड आके इसको तो बस इसको सॉल्व कर, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 को बाहर ही रहने दो, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं के प्लस 2 वन है इसके, 1 से डिवाइड करें के प्लस 2 का, के में 2 करेंगे तो के स्क्वेयर प्लस 2k और ये प्लस 1। इसको देखो के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 को k प्लस 1 होल स्क्वेयर लिख सकते हो, तो ये k प्लस 1 होल स्क्वेयर हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये वाले k प्लस 1 के स्क्वेयर से ये k प्लस 1 को कैंसिल कर दो, एक k प्लस 1 ऊपर बच गया, विच इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। बस यही आपको प्रूव करना था, देख लो k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 और ये p ऑफ k प्लस 1 आते हैं, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज 2। तो p ऑफ k को अपन ने ट्रू सपोज किए तो p ऑफ k प्लस 1 को प्रूव कर दिए, तो हेंस बाय पीएमआई p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस by PMI P of n is true for all n belongs to natural number, बस यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो आई थिंक इट्स enough फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट, ओके बाय।